स्मार्ट कास्ट आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कुछ कहानियां सच और झूठ के दायरे से परे होती हैं। वो न हमको हंसा पाती हैं और न रुला पाती हैं। वो सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। मैं डॉक्टर नागर, पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन, हर बार आपके पास लेकर आता हूं मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती, कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे इंदौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक्स स्टूडेंट संदीप की आंखों देखी। बात साल 2003 की है। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, पर इस बात से थोड़ा कॉन्फिडेंस तो ज़रूर था कि मेरे जैसे कुछ और भी हैं जो कि उतने ही डरे हुए हैं। पहले ही दिन मेरी दोस्ती वरुण से हो गई थी। वरुण काफ़ी शाय था वो और बहुत डरा हुआ था। हम रैगिंग के बारे में सोच के थोड़ा परेशान थे। यार, रैगिंग तो हर कॉलेज में होती है, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे, थोड़ा डांस करवाएंगे, थोड़ा गाना गाने को बोल देंगे। तू इतनी टेंशन मत ले यार। बट मैंने काफी सुना है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बुरी रैगिंग होती है। हे भगवान, इतना परेशान मत हो, जब होगी तब देखेंगे। चल अभी लेट हो रहा है। वो जो लड़के खड़े हैं ना, उनसे पूछते हैं कि यहाँ ऑडिटोरियम कहाँ पर है। हाँ चलो। ए गौरव, वो देख फ्रेशर आ रहा है। आने दे आने दे, सही जगह आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑडिटोरियम कहाँ पर होगा? फर्स्ट ईयर। यस सर। सही जगह आए हो तुम, आओ दिखाता हूँ। नहीं सर, सर आप बस बता दीजिए, हम चले जाएंगे सर। फर्स्ट ईयर हो के जबान लड़ा रहे, चल। ठीक है। वो हमें हॉस्टल ले गए। वहाँ हमारे जैसे काफ़ी और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। सारे सीनियर्स सामने बैठे थे, सबको बुला बुला के उनका इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था। हम जैसे ही हॉस्टल के हॉल में पहुंचे, वरुण ने मेरे कान में कहा, यार यहाँ तो रैगिंग हो रही है, मुझे नहीं देनी रैगिंग। यार तू फंसवाएगा, चुपचाप कर दे जो वो कह रहे हैं, ज्यादा पंगा मत लियो, समझे? हम सबको एक लाइन में खड़े होने को बोला। सबको एक एक करके बुलाया जा रहा था। सबको कपड़े चेंज करके साड़ी पहन के डांस करने को बोला जा रहा था। सब डरे सहमे किए जा रहे थे। सामने बैठे सीनियर्स हंस रहे थे। जैसे ही वरुण की बारी आई, नहीं, रैगिंग इज अगेंस्ट द लॉ, मैं नहीं करूंगा। क्या मतलब नहीं करेगा? पागल मत बन, करते और खत्म कर। कैसे नहीं करेगा, पकड़ो इसको, सब इधर लाओ। दो सीनियर्स ने आके वरुण का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हम सबको डर लग रहा था कि पता नहीं अब वो वरुण के साथ क्या करेंगे। काफी किस्से सुने थे हमने रैगिंग के बारे में। वरुण के ऊपर भी काफी गुस्सा आ रहा था कि मान क्यों नहीं जाता, नहीं तो सब फंस जाएंगे। ये सब हो ही रहा था कि शोर सुनकर हमारे वार्डन मिस्टर सिंह आ गए और उस समय वरुण बच गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्लास में क्यों नहीं हो? यार ये बुड्ढा कहाँ से आ गया? कुछ नहीं सर, बस इंटरेक्ट कर रहे थे फ्रेशर्स से, बस। मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा था। दिस इज योर लास्ट वार्निंग, अगर फिर से तुमने किसी की रैगिंग लेने की कोशिश की तो तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। जी सर। नाउ गो टू योर क्लासेस। वरुण बेटा तू तो गया। उस दिन तो सब बच गए, पर हमें पता था कि ये हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहा था हमारा डर बढ़ता जा रहा था। रात को मेस में भी सब वरुण को ही देख रहे थे। वो चुपचाप खाना खा रहा था,
हम उसे बोल रहे थे कि वो टेंशन ना ले, हम सब है ना उसके साथ। खाना खा के जैसे ही हम हॉस्टल पहुंचे, लाइट्स ऑफ होते ही हमारे कमरे में किसी ने नॉक किया। कौन है? कौन है? अरे खोल यार, हम हैं। सवेरे आइएगा, हमें सुना है, हमारी क्लास है। अरे यार, हम तेरी रैगिंग नहीं लेंगे रे, तू एक बार मिल तो ले, हम बस सॉरी बोलने आए। देखो यार, तू तो बुरा मान गया, रैगिंग तो सबकी होती है, हमारी भी हुई थी, हम भी तेरे दोस्त ही हैं। चलो अब दोनों बाहर आ जाओ। हम बाहर आए तो क्या देखते हैं कि 10-12 सीनियर्स हमारा वेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी एक सीनियर जिसे हम पहले कभी नहीं मिले थे आके वरुण से बोलता है कि यार, काफी सुना है तेरे बारे में, तू नहीं देना चाहता ना रैगिंग, चल एक लास्ट चीज कर दे, फिर हम सब दोस्त, ठीक है? तो सुन, अपने हॉस्टल के पीछे आधा किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक है, बस तुझे वहां जाना है और ये फूल वहां रखना है, ट्रेन के पास होने तक रुकना है और चले आना है। तू तो इतना बहादुर है तो कर ही लेगा ना। और हाँ, हम तुझे छत से देखते रहेंगे, इतना करेगा तो फिर तेरी रैगिंग नहीं होगी। पर इतनी रात को तो वहां कोई भी नहीं होता है और रेलवे ट्रैक थोड़ा ऊपर जाके। ओ, बच्चे को डर लगता है? ये सिर्फ बोलने का शेर है, इसके बस की नहीं है। ठीक है, ये हुई ना बात, ये ले फूल और जा, हम ऊपर से देख रहे हैं। और सुन, आराम से जाइयो बेटा, वार्डन को पता नहीं चलना चाहिए। सीनियर्स और मेरे साथ कुछ और फ्रेशर्स, हम सब छत पे आ गए। हम ऊपर से वरुण को जाते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर तक वो दिखा पर फिर दिखना बंद हो गया, काफी अंधेरा था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, ट्रैक दूर था पर फिर भी पता चल रहा था। तभी दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी, पर वरुण कहाँ था पता नहीं। हमारे और ट्रैक के बीच काफी पेड़ थे तो कुछ भी पूरा नहीं दिख रहा था। ट्रेन आई, ट्रेन चली भी गई, फिर सन्नाटा हो गया। हम वरुण का वेट कर रहे थे पर वो दिखाई नहीं दिया। अब हमें वाकई टेंशन हो रही थी। मैंने बोला कि एक बार चल के देखते हैं यार, हम जाने ही वाले थे कि वरुण आता हुआ दिखाई दिया। हम भागते हुए उसके पास पहुंचे। तू ठीक तो है ना? हाँ, बस मैं फूल नहीं रख पाया। चुप रे, किसी को बोलना मत, अब चल कमरे में। थैंक गॉड, ये चैप्टर खत्म हुआ। वो रात तो जैसे तैसे कटी पर वरुण अगले दिन से कुछ अजीब सा हो गया। रह रह के बार बार बोलता कि उसे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दे रही है, जबकि आसपास कुछ नहीं होता था। और जैसे ही उसे ट्रेन की आवाज आती, उसका सिर दर्द करने लगता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा था। उस रात जब हम अपने रूम में पहुंचे, मुझे ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ रही है। कोई ट्रेन नहीं है वरुण, ये तेरा वहम है बस। ध्यान से सुन, खिड़की के पास जा। ओफो, ले आ गया खिड़की के पास। क्या सिर्फ झिंगरुओं की आवाज आ रही है? क्या हो क्या गया तुझे? कोई ट्रेन, कोई हॉर्न, कुछ नहीं है मेरे भाई, तेरे कान बज रहे हैं। चल सो जा। तुझे सुनाई नहीं दे रही पर है, और तेज हो रही है। मैं खिड़की बंद कर रहा हूं, प्लीज सो जा मेरे भाई, कल जल्दी उठना है, ठीक है? कैसे करके उस रात मैंने खिड़की बंद की और बेड पर लेटा। बस थोड़ी नींद आ ही रही थी कि अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने तुरंत आंख खोली तो इतनी रात को कहां जा रहा है? तू सो जा, मैं आता हूं। वरुण तू पागल हो गया है। मुझे काफी नींद आ रही थी और वरुण के ऊपर गुस्सा भी। मैं सो गया। वो रात को कब आया मुझे पता नहीं चला, पर जब मैं सो के उठा तो वो अपने बेड पर था। बाहर काफी शोर था। मैंने कमरा खोला तो काफी सीनियर्स खड़े थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उसने जो बताया उससे मैं एकदम से चौंक गया। उसने बोला कि कल रात करण ने सुसाइड कर लिया, उसकी बॉडी पीछे वाले रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली। मुझे पता नहीं चला कि कब वरुण आके मेरे पीछे खड़ा हो गया। करण ने सुसाइड क्यों किया किसी को कुछ पता नहीं। वरुण,
वरुण तूने सुना करण ने सुसाइड कर लिया? हाँ मुझे पता है। तुझे कैसे पता? सबको पता है। उसके बाद हॉस्टल का माहौल काफी अजीब हो गया था। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। हम सब काफी डरे हुए थे, पर वरुण कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था। वरुण को इस बात से एकदम फर्क नहीं पड़ा था कि हमारे बीच किसी ने सुसाइड कर लिया है। बस उसे हर समय ट्रेन की हॉर्न की आवाजें सुनाई देती थी। वो बीच बीच में गायब हो जाता था। उस रात भी वही हुआ। मैं जैसे ही लेटा अचानक से फिर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। यार तू फिर से कहीं जा रहा है? हाँ बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तू सो जा। वरुण वरुण माहौल ठीक नहीं है, मत जा। अब मुझे क्या होगा, तू सो जा। मैंने उठने की बहुत कोशिश की कि मैं उसे रोक लूं, पर पता नहीं क्यों मैं उठ ही नहीं पाया। लगा जैसे कोई मुझे उठने से रोक रहा है। वरुण मेरी तरफ अजीब तरीके से देख रहा था। उसने मुझसे इशारा किया कि मैं लेटा रहूं, और फिर वो निकल गया। मैं कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन सवेरे किसी ने हमारे डोर पर नॉक किया। मेरी आंख खुली तो वरुण वहीं था। मुझे फिर नहीं पता चला कि वो रात को कब गया कब आया। मैंने दरवाजा खोला तो वार्डन थे। तुम दोनों कल रात कहाँ थे? सर हम तो यहीं अपने रूम में थे। और तुम? मैं भी यहीं था। क्या हुआ क्या सर? कल रात आदित्य ने सुइसाइड कर लिया। What? रेलवे ट्रैक पे, उसी टाइम पे और उसी ट्रेन से जिससे करण ने सुइसाइड किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। दो लगातार हुए सुइसाइड्स नहीं हो सकते। ये सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये सब हो क्या रहा था? पहले करण फिर आदित्य, सेम ट्रेन सेम टाइम, कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। उस दिन हॉस्टल में सिर्फ एक ही चीज थी हवा में, डर, जो हर किसी के चेहरे पे था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है, कौन है इन सब के पीछे। उस दिन कैफेटेरिया में डिसाइड हुआ कि आज रात हम सब उस टाइम छत पे जाके देखेंगे कि कौन कर रहा है ये सब। हॉस्टल में रात को निकलने पर कर्फ्यू लग गया, क्लासेस भी सस्पेंड हो गई थी। हम सारे उस दिन एक साथ ही थे, किसी को भी कहीं भी अकेले जाने की इजाजत नहीं थी। रात हुई और सब डिनर करके अपने रूम में आ गए। 12 बजे सबको छत पर मिलना था, लेकिन वरुण आने को तैयार ही नहीं था। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग देख लेना। यार वरुण तेरा यहां अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, अब मुझे क्या होगा। क्या क्या बोल रहा है तू? तुझे हॉर्न की आवाज सुनाई थी? यार फिर से नहीं। ठीक है तू यहीं रह और ये हॉर्न सुनता रह, ठीक है? पर प्लीज आज रात बाहर मत जाइयो। 12 बजते सारे स्टूडेंट्स छत पर आ गए। कुछ मिसिंग थे, पर कौन ये पता लगाना मुश्किल था। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। वो अजीब सी डरावनी रात थी। 12 बज गए पर कुछ नहीं हुआ। हम सब छत पे आंखें गड़ाए देख रहे थे। अचानक से हम क्या देखते हैं कि वरुण गौरव का हाथ पकड़कर ट्रैक की तरफ जा रहा है। दोनों में से कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, बस जैसे नींद में ही चले जा रहे हो। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम धीमे धीमे नीचे उतरे और उनके पीछे चलने लगे। मेरे दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। ये वरुण रोज रात को कहां गायब हो जाता था? अगले दिन किसी का सुसाइड करना, मेरा सर घूम रहा था। हम उनका पीछा करने लगे। वो हमसे काफी आगे थे। भाग ट्रेन तक पहुंचने की हिम्मत हम में से किसी की भी नहीं थी। हमने देखा कि ट्रैक पे जाके गौरव ट्रैक पे लेट गया और वरुण वहीं खड़ा था। ये दोनों कर क्या रहे थे? मैं भागते हुए उसकी तरफ जाने लगा। वरुण वरुण हे वरुण, पागल हो गए क्या? हे वरुण ट्रैक से हट जा, वरुण ट्रैक से हट जा। हे वरुण मेरी बात नहीं सुन रहा है? वरुण वरुण ट्रेन आ रही है, ट्रैक से हट जा मेरे दोस्त। वरुण मैं जब तक वहां पहुंचा ट्रेन उन दोनों के ऊपर से जा चुकी थी। हम में से किसी से देखा ना गया। ट्रेन जब गुजर गई तो गौरव की लाश वहीं थी। उसके हाथ पैर कट चुके थे।
लेकिन वरुण वहीं खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसे एक करोच भी नहीं आई थी। वो हमारी तरफ गुस्से से देख रहा था। वरुण, चौंको मत। मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मैं यहां फूल रखने आया था। मैं फूल रखने ही जा रहा था कि ट्रेन ने मुझे मार दिया था। तुम सबको मैं यही सिखाने आया हूं कि मजाक की भी एक हद होती है। रैगिंग से कोई किसी को जान नहीं सकता, सिर्फ किसी की जान ले सकता है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। मैं उन सबको ऐसे ही मार दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। आदित्य और करण को मैंने पहले ही खत्म कर दिया है, और आज गौरव की पारी थी। हम सब की हालत खराब थी। हम तुरंत हॉस्टल गए। रात को सब एक साथ ही सोए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके साथ मैं पिछले 3 दिन से रह रहा था वो जिंदा ही नहीं था। वो एक ऐसा डर है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगले दिन वरुण की लाश दूर किसी एक गड्ढे में मिली। हॉस्टल उसके बाद खाली करवा दिया गया। वहां कोई नहीं जाता। आज भी मैं अपने आप को ये विश्वास नहीं दिला पा रहा कि क्या वो सच था। संदीप ने जो हमें सुनाया वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो हो के भी नहीं था। पर आप इस होने और न होने के फर्क में मत फंस जाइएगा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिनके सामने होने के बाद भी हम यही पूछते हैं। खैर, मैं डॉक्टर नागरकताप से फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर माइंड। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था Fever FM Production। HD Smartcast।